ठहरिए, क्या आपने बाहर खेलने के बाद हाथ धोए? नहीं, क्योंकि मेरे हाथ तो साफ हैं। अच्छा, तो आए देखते हैं। ये मेरे हाथों में क्या है? मैं समझाता हूँ। ये जो हमने आपके हाथ पे छोटी सी मखलूकात देखी हैं, इन्हें पैरासाइट्स यानी जरासीम कहते हैं। ये इंसानों और जानवरों के ऊपर और अंदर रहती हैं और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती हैं। पेट के कीड़े भी पैरासाइट्स की एक टाइप होते हैं, जो अंडों के जरिए हमारे पेट में दाखिल हो जाते हैं। तो क्या ये पेट के कीड़े मेरे लिए नुकसानदेह हैं? जी बिल्कुल, ये कीड़े हमारे पेट में बैठ के हमारा खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी की सारी एनर्जी ले लेते हैं। इसकी वजह से हमें कमजोरी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, क्लास में दिल नहीं लगता और हम खेल कूद भी नहीं कर पाते। क्या? ये तो बहुत खतरनाक है। मगर ये पेट के कीड़े मुझ तक पहुँचे कैसे? असल में इन कीड़ों के अंडे और लार्वा गंदे पानी और मिट्टी में रहते हैं। जब हम गंदा पानी पिए, बगैर धोए फल खाएं, बाहर की गंदी चीजें खाएं या मिट्टी में नंगे पांव खेलने के बाद हाथ ना धोएं, तो ये कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं। मुझे पेट के कीड़ों से बीमार नहीं होना, मैं अपने को कैसे बचाऊं? बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं, पेट के कीड़ों से बचना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस आपको सही से हाथ धोने की जरूरत है। आए प्रैक्टिस करते हैं। हाथों को गीला करके साबुन को हथेली के बीच में मलें, फिर हाथ के पिछले वाले हिस्से को मलें, फिर दोनों अंगूठों को, नाखून और कलाई को भी सही से पूरे 20 सेकंड तक मलें। देखा कितने आसान स्टेप्स हैं। वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद, खाने से पहले और बाद में, और हाँ, बाहर से घर आने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फल खाने से पहले धोएं, बाहर का खाना ना खाएं, कोई भी चीज़ पर मक्खियाँ बैठी हैं वो तो बिल्कुल ना खाएं, पानी उबला हुआ पिए, घर से बाहर जाते वक्त जूते जरूर पहने। हाँ मैं समझ गया, मगर आपको पता है क्या, मेरे बहुत सारे दोस्तों को हाथ धोने की आदत बिल्कुल नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि वो पेट के कीड़ों की वजह से बीमार हो जाएंगे? जी ऐसा हो सकता है। पेट के कीड़ों का सबसे पसंदीदा काम है आप जैसे प्यारे बच्चों को बीमार करना। मगर आज आपने पेट के कीड़ों के बारे में इतना कुछ सीखा है, अब आप अपने दोस्तों को इनके बारे में बताकर उनकी मदद कर सकते हैं। और पता है क्या, आपके स्कूल में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डिवोमिंग डे भी होने वाला है। इस दिन आपके टीचर्स आपके दोस्तों और क्लास फेलोज को एक जादू की टेबलेट खिलाएंगे, जो उनके पेट के कीड़ों का खात्मा करेगी। आप अपने बाकी दोस्तों, घर वालों और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उन सबको डिवोमिंग डे और पेट के कीड़ों के नुकसान के बारे में आगाही दें। हम सब ही मिलकर पाकिस्तान के बच्चों को सेहतमंद और ताकतवर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान की 44 डिस्ट्रिक्ट्स में से 17 मिलियन बच्चे पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन का शिकार बन सकते हैं। पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन की वजह से खून की कमी, ग़िज़ा की कमी, जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा पे मनफी असर पड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने डिवर्मिंग डे का आगाज किया है, जिसका मकसद ये है कि 5 से 14 साल या क्लास 1 से 10 के तमाम बच्चों को तरबियत याफ्ता टीचर्स के जरिए पेट के कीड़ों के खात्मे की मुफ्त और महफूज दवा फराहम की जाए, ताकि उन्हें पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन से महफूज किया जा सके। ये दवाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक शुदा है।